स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर चाट। मटर चाट एक ऐसी रेसिपी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और झटपट बनती है। तो आइए आज देखते हैं कि मटर चाट कैसे बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मटर चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मटर। मैंने 100 ग्राम मटर लिए। मटर को मैंने रात भर भिगो कर रखा था, उसको बॉईल कर लिया है। सेव, एक बॉईल आलू, आलू को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। एक चम्मच नींबू का रस, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, कटी हुई पुदीना की पत्तियाँ, कटी हुई धनिया की पत्तियाँ, कटा हुआ प्याज, यहाँ मैंने एक पीस प्याज का लिया है, एक पीस कटा हुआ टमाटर, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा, यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच चाट मसाला। तो आइए मटर चाट की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में उबली हुई मटर डालेंगे, कटी हुई प्याज डालेंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, कटी हुई पुदीना की पत्तियां डालेंगे, बॉइल्ड आलू डालेंगे, कटी हुई धनिया की पत्तियां डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मटर चाट हमारी तैयार है। अब हम इसको थोड़े सेव से गार्निश करेंगे। थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे। मटर चाट हमारी तैयार है। मटर चाट को आप सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।